जी हाँ, नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे ये 16 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम की काम की क्या चीज़ें लगी। ये आईआईटी की परीक्षा में एक विद्यार्थी मृदुल अग्रवाल के सबसे ज़्यादा मार्क आए। कह रहा हम तो यूपीएससी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था। उसने ये लिखा कि कई बार जब हम टेस्ट देते हैं तो अपने से गलती हो जाती है, गणित में या जो फिजिक्स में जो भी उनकी पढ़ाई में आता है, जिसके चलते ये मृदुल के 10 से 20 मार्क हमेशा चले जाते थे। तो उसने फिर एक नोट बनाना शुरू किया, मिस्टेक कॉपी, और वो एग्ज़ाम से पहले अपनी नोट को ही देख लेता था कि मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं, ताकि रियल एग्ज़ाम में वो रिपीट ना हो। ये चीज़ डेफिनेटली स्टाफ सिलेक्शन, बैंकिंग एग्ज़ाम, जहाँ पर भी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब आता है, वहाँ तो उपयोगी है ही। आपने यही चीज़ यूपीएससी में भी अडॉप्ट करनी चाहिए, करनी होगी। क्यों? ये जो इकोनॉमी के प्रश्न पूछे गए अपनी ये लेटेस्ट यूपीएससी प्रीलिम जो 10 अक्टूबर को हुई थी, ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन। गवर्नर ऑफ आरबीआई अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सही है। सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इश्यू डायरेक्शंस टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कुछ संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र सरकार जनहित में रिजर्व बैंक को निर्देश दे सकती है। अभी रियल एग्जाम में क्या होता है, कई बार आप पढ़ते हैं और आप हाँ जी हाँ में इसको भी करेक्ट मान लेंगे। असल में ऑफकोर्स यूनियन गवर्नमेंट आरबीआई को डायरेक्टिव दे सकती है, बट दैट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो है बिकॉज ऑफ आरबीआई एक्ट और उसका सेक्शन 7। तो इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाए, अगर आप उसे एलिमिनेट करो तो अपने आप अपना जवाब बन जाता है C1 and 3 ओनली करेक्ट। तो वैसे ये प्रश्न काफ़ी ईजी है, बट रियल एग्ज़ाम में मुझे यकीन है कई लोगों ने गलती की होगी, जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में ऑल 3 करेक्ट कर दिया होगा। आप जो WhatsApp पे मैसेज ऊपर ऊपर से देख लिया या Facebook में दूसरों की पोस्ट ऊपर ऊपर से स्क्रॉल डाउन कर ली, MCQ के साथ वो ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए, उसको आराम से पढ़ना चाहिए। और ये तो एक है, ऐसी तो 100 प्रश्नों में और भी कई गलतियां कई लोगों ने की होगी। तो एग्ज़ाम के बाद तो कहते हैं कि हाँ पेपर में तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है, लेकिन आप जब आराम से सॉल्व करने बैठे पता चलता है बहुत गलतियां हुई। सो यस, यू ऑल्सो नीड टू मेक अ मिस्टेक कॉपी। खैर अभी आगे बढ़ते हैं, मेन जो चीज़ है 16 अक्टूबर में क्या एग्ज़ाम के काम चीज़ें। ये जो पूरी टेक्स्ट है यहाँ पर, ये जो ब्लैक कलर में लिखा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर प्रॉब्लम ये YouTube डिस्क्रिप्शन में वर्ड लिमिट है कि 5000 वर्ड से ज़्यादा पेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूँगा, और इसके अलावा अपनी जो वेबसाइट है mruna.org उसके करंट अफेयर सेक्शन में एक एक्सेल फाइल होती है, जब कुछ दिनों का और माल इसमें जमा हो जाएगा तो एक साथ मैं उसमें डाल दूँगा। हाँ, तो जानने लायक चीज़ें क्या इन दिस 16 अक्टूबर का न्यूज़पेपर। कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर कुछ आक्रमण हुए, तोड़फोड़ हुए, ये जो दुर्गा पूजा चल रही है, कुछ वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं जो ये सब माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो भारत सरकार ने शेख हसीना को फ़ोन किया होगा और उसने भारत सरकार को सलाह दी कि आप ध्यान रखिए कि इसके प्रतिक्रिया में इंडिया में कोई तोड़फोड़ नहीं हो मुस्लिम धर्म स्थानों में, वरना उसकी प्रतिक्रिया में यहाँ पर हिंदुओं के धर्म स्थानों में और ज़्यादा तोड़फोड़ हो सकती है। तो मतलब खुद करने की जगह हमको सिखा रहे। खैर, मैंने आपको आगे भी बताया था कि जो इंटरनेशनल रिलेशन में ये एक मुद्दा बड़े प्रश्न का एक छोटा हिस्सा है, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ऐसा ही अब इसमें क्या हुआ था करके घुस जाए। ऐसा एक बार कुछ प्रश्न पूछा गया था बहुत टाइम पहले कि वहाँ पर कुछ जो आंदोलन हो रहे हैं उसका क्या है एंगल, बट नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस टाइप के इंटरनेशनल रिलेशन के प्रश्न आते हैं, यूजुअली ब्रॉड थीम पूछा जाता है, तो ये तो एक लाइन का ही मुद्दा है। दूसरा, जो लंबे समय से चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन, अब उसमें ये हुआ कि एक तो लखीमपुर खेरी में वो जो सब धमाल, और उसके बाद अभी दूसरी एक और चीज़ हुई कि सिंघू बॉर्डर पर कोई एक दलित श्रमिक था, उसको भीड़ ने हत्या कर दी, ये कह के कि ये आरोप लगा के कि हमारे जो सिख धार्मिक ग्रंथ हैं उसका इसने मतलब बेअदबी की है, डेसिक्रेशन किया है। अब इस पर आप जानते हैं बहुत दिनों तक बहुत सारी कमेंट्री चलेगी। हमने क्या सोचना इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के नाम पे? पहली तो ये बात, कोई भी प्रदर्शन जो लंबे टाइम तक चले तो फिर क्या होगा, उसके नेता फिर भीड़ को काबू नहीं रख पाएंगे, उसमें कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे या तो उसी पार्टी के हैं या ऑपोजिशन पार्टी के हैं जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, एंड दे विल डू सम टाइप ऑफ मिस्चिफ। और दूसरा, ये काफ़ी टाइम से इतना सब चल रहा है तो
यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने सख्ती से इन पर कदम उठाने चाहिए, पर वो राजनीतिक कारणों के चलते वो नहीं उठाएं तो ये फिर असल में कानून व्यवस्था में और दिक्कत होती है। ऐसा पहले भी हो चुका है, वो CA वाले प्रोटेस्ट बहुत टाइम तक चलते रहे और फिर वहाँ पर भी ऐसी सब धमाल और हिंसा हुई थी। इसके अलावा और क्या चल रहा है, ये सब वही DHFL और उसकी पेंडोरा पेपर्स, वो सब हम लोग पढ़ने नहीं बैठेंगे। मैंने आपको आगे भी बताया, सुप्रीम कोर्ट या सरकार को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने दो। आगे बढ़ते हैं सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता पर। वो कर्नाटक विधानसभा ने सोचा है कि एक समिति बनाएंगे कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा रिलीजियस कन्वर्जन होता है लोगों का, ईसाई धर्म परिवर्तन, उसके बारे में सर्वेक्षण होगा। क्रिटिक्स का ये मानना है कि ऐसा सब सर्वे करवा के बाद में सर्व एंटी कन्वर्जन बिल, धर्मांतर विरोधी कानून बनाया जाएगा। अब इसमें गौर करने के विषय क्या है, ऐसा और भी सब चल रहा है। एक तो लव जिहाद बिल बराबर, फिर कन्वर्जन एंटी कन्वर्जन बिल्स, फिर है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट। डिस्टर्ब एरिया एक्ट मतलब गुजरात और कुछ राज्यों में ऐसे प्रावधान है कि कुछ एरिया को बोला जाएगा ये अशांत विस्तार है और फिर वहाँ पर हिंदू मुस्लिम को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, मुस्लिम हिंदू को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, हिंदू मुस्लिम को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता सिवाय कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर परमिशन दे। चौथा भी मुद्दा है कौन सा, तो आपने काउ स्लॉटर बिल और वो सब पशु हत्या गौ हत्या विरोधी कानून, तो अलग अलग राज्यों में ये सब चल रहा है। तो आपने जो सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा है और उसके अंदर ये सब को जोड़ के मेंस पेपर 2 निबंध वगैरह में सोचने के विषय कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए एक्सेट्रा। आगे हम बढ़ते हैं page 5। वो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे, ये सब हथियार गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियाँ और उसका एक बोर्ड, फिर आगे चल के सरकार ने उसको सरकारी कंपनियों में तब्दील कर दिया, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये पूरा मुद्दा क्या है, वो Win21 सीरीज़ का जो लास्ट लेक्चर मैंने अक्टूबर में किया था उसमें देख लेना, ये हो गया है कि उससे कैसे ये सब बेहतर होगा। फिर ये वर्ल्ड फूड डे है और वो किस दिन मनाया जाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, क्या थीम, ये सब पढ़ लेना आप आराम से, वो दिया है डिस्क्रिप्शन में। page 6 पे बढ़े, कुल मिलाकर बात यह है कि क्वीन एलिजाबेथ ने नाराज़गी जताई है कि दुनिया के जो रिच एंड पावरफुल लोग हैं वो क्लाइमेट चेंज के बारे में गंभीर नहीं है। आप जानते हैं उधर ये जो UNFCCC और उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, तो वो ग्लासगो में 31 अक्टूबर को मीटिंग होने वाली है उनकी, लेकिन उसमें भी कौन सा नेता आएगा नहीं आएगा, अलग अलग देशों ने मतलब कोई कन्फर्मेशन भी नहीं दिए, तो वो नाराज़ है। अब उनका ये जो पोता या परपोता है वो ये कह रहा है कि ये इलोन मस्क और दूसरे लोग वो स्पेस टूरिज्म में क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं। तो सामने कुछ क्रिटिसिज्म भी चल रहे हैं कि आप लोगों ने भारत को लूट के इतने साल तक जो पैसा बनाया, तो उसे आप मतलब ब्रिटिश शाही परिवार, अंग्रेज शाही परिवार खुद जो अरबों रुपये लूट के बैठा है, तो वो पर्यावरण के लिए पैसा क्यों नहीं खर्च करता वगैरह। हाँ, तो ये भी सब एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंस पेपर 3 निबंध वगैरह में सोचने के मुद्दे। आगे बढ़ते हैं फेडरलिज्म में कौन कौन से मुद्दे होते हैं। एक तो कल ही हमने पढ़ा था वो BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर। फिर GST का मुद्दा है फेडरलिज्म में। फिर ये तीसरा क्या चल रहा है, नीट एग्ज़ाम। अब नीट एग्ज़ाम में क्या चीज़ है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक समिति बनाई थी कि अंग्रेज़ी माध्यम में ये फ़ायदा करवाती है, अमीरों को फ़ायदा होता है, CBSE बोर्ड वालों को फ़ायदा होता है नीट एग्ज़ाम में। तो अब तमिलनाडु राज्य सरकार ऐसा कानून बना रही है कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए ये कंपलसरी यानी अनिवार्य ना हो, लेकिन ऐसा जो कानून पास करना है तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, तो वो सब चल रहा है। अब उसी के साथ जुड़ा एक और भी मुद्दा हमें आज जानने को मिलता है न्यूज़पेपर से, जिसे हम डाल दें page 4 एथिक्स में, वो प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और रोल ऑफ एजुकेशन वैल्यू वगैरह। तो मुद्दा वैसे तो आपने सुना भी होगा, इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, तो वो स्टूपिड चीज़ है। अगर आप मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती इसलिए मछली की ज़िंदगी असफल है, तो वो तो पैमाना ही गलत है। तो असल में एक फिलोसोफर नैन्सी फ्रेज़र ने पैरिटी ऑफ पार्टिसिपेशन का सिद्धांत दिया, यानी कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है, चुनाव हो रहा है, परीक्षा हो रही है, तो उसमें हिस्सा लेने में समानता का सिद्धांत। यानी अगर सब कंपटीटर हैं वो एक समान फिजिकल, मेंटल, एजुकेशनल, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं और उन सब का कंपटीशन करवाओ और कोई जीत जाए, तो आप जो हार गया वो असल में हारा नहीं है क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं थी वो एग्ज़ाम जीतने की।
तो हम ये पाते हैं आजकल ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, रॉट लर्निंग का माहौल है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन कोचिंग। वैसे तो 3-3 महीने और 1-1 महीने और 15 दिनों के क्रैश कोर्स भी चलते हैं, लेकिन जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले कोर्सेज कौन ज्वाइन कर सके, जिसके पास ज़्यादा पैसा है और वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करते हैं। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, कॉलेज एडमिशन एग्ज़ाम, हर जगह पर ये जो कोचिंग बाजार चल रहा है उससे ये सिद्धांत का उल्लंघन है वगैरह वगैरह। तो वो सब एथिक्स के लिए भी सोचने के मुद्दे। आगे पेज 7 पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। वो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि जंगल विस्तार में आपने कुछ फैक्ट्री माइनिंग कुछ लगाना हो तो सरकार की परमिशन लेनी पड़े, लेकिन सरकार अभी उसमें एक ऐसा अमेंडमेंट ला रही है कि जहाँ पर ये ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन में उसमें सब छूट दी जाए। अब वैसे ये जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया और जनता को कहा कि अपनी फीडबैक दीजिए इस कानून संशोधन पर। जनता की राय जानने के लिए वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड तो किया, लेकिन दिक्कत क्या है, प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। तो मतलब कोई मराठी या पंजाबी में पढ़ के उसका कुछ सोच के लिखना चाहे सरकार को, नहीं लिख सकता जनता। और सिर्फ 15 दिन की डेडलाइन दी गई है कि उतने में ही आपने अपनी राय रख देनी है। तो जनता सब लोग के पास और भी तो काम होते हैं। तो ये क्या हो रहा है, दे आर ट्राइंग टू शो कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग, कानून बनाने की प्रक्रिया में जन भागीदारी, लेकिन असल में तो ये कागजी दिखावा ही है। खैर, अब जैसे मीन्स में प्रश्न आते तो हमको सरकार की निंदा करो ये टोन के तो प्रश्न शायद ही आते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन तो ये वाली चीज़ों को भी आप इनडायरेक्टली दूसरी भाषा दूसरे मतलब टोन में लिख सकते हैं कि व्हेन वी स्पीक अबाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन तो ये भी मतलब ये मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। द ड्राफ्ट अमेंडमेंट शुड बी अपलोडेड इन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस, मोर लॉन्गर ड्यूरेशन शुड बी गिवन फॉर पब्लिक टू सबमिट द फीडबैक वगैरह वगैरह। फिर क्या है, पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान ऑन पेज 10, वो सब लंबी चौड़ी इसने एक्सप्लेन सीरीज भी बनाई है इंडियन एक्सप्रेस ने। कुल मिलाकर 16 अलग अलग जो मंत्रालय हैं, रोड हाईवे वगैरह, उनको एक वेबसाइट से आपस में कोऑर्डिनेट करें। तो जैसे कि रेलवे की पटरी बिछा रहे हैं तो तुरंत ही पर्यावरण मंत्रालय वो जंगल और पेड़ काटने की अनुमति दे दे, ऊर्जा मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री बिजली की लाइन बिछा दे वगैरह। तो ये सब करेंगे, इसका नोडल कौन है? वैसे नोडल का भी एक बार प्रश्न इस बार पूछा गया था कि वो फॉरेस्ट राइट एक्ट का नोडल कौन है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है कि ट्राइबल मिनिस्ट्री है। तो मैं पता होना, नोडल मतलब कौन इसका कामकाज देखता है। हाँ, तो कौन देखता है कामकाज, DPIIT जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। दूसरा प्रश्न, ये वेबसाइट किसने बनाई है? सामान्य रूप से वेबसाइट कौन बनाता है, NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, लेकिन इस बार और संस्था है, BISEG दैट इज भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। और क्या, एक और कुछ एक्सप्लेन सीरीज बनाई है कि एयर इंडिया के पास बहुत सारा सब पेंटिंग और मूर्तियां हैं, लेकिन टाटा ने जो एयरलाइन खरीदी तो उसे वो नहीं मिलेगी, वो सब सरकार में जाएगा वगैरह। खैर, उसमें दिलचस्प चीज़ जो मुझे दिखी वो थी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। ये वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या है, मैं आपको टमाटर दूँ 500 ग्राम, आप मुझे 2 किलोग्राम गेहूँ दे दो, दैट इज़ पैसों की जगह वस्तु का लेन देन, जो ऑब्वियसली एंशियंट इंडिया में होगा, लेकिन धीरे धीरे मनी इन्वेंट हुआ तो बार्टर सिस्टम तो बंद हो गया होगा, राइट। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी में भी देखा गया, ये जो एयर इंडिया था वो ऐसा करता था कि MF हुसैन वगैरह पेंटर जो अपने जवानी में थे, जब वो फेमस नहीं हुए थे, तो उनको कहा जाता आपको अच्छा जाना है विदेश और आपके पास टिकट का पैसा नहीं, नो प्रॉब्लम, आप एक पेंटिंग बना के हमको दे दो और हम आपको टिकट देंगे। उसी तरह कोई एक शिल्पकार था साल्वाडोर डेली, उसे कहा गया कि आप एस्ट्रे वो सिगरेट का बुझाने के लिए वो चीज़ हमें बना के दो और हम वो सब फर्स्ट क्लास पैसेंजर को गिफ्ट में देंगे वगैरह। और सामने उसे ये जो साल्वाडोर डेली था उसने कहा मुझे हाथी का बच्चा चाहिए, तो ये एयर इंडिया ने कहीं से उसको हाथी का बच्चा दिया। तो ये सब क्या है, फाइनेंस मनी की जगह पर बार्टर एक्सचेंज, उसके अपने फ़ायदे। और कुछ PhD उस पर भी कर सकते हैं कि अच्छा टैक्स एप्लीकेशन में क्या होगा, या क्या ऐसा करना सही है, या वो जो यंग आर्टिस्ट सस्ते में दे दिया फिर ये लोग तो करोड़ों में बेचेंगे, नीलामी करेंगे MF हुसैन की, बट ओवरऑल नॉट सो ग्रेटली इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, सेक्युलरिज्म पेज 11, इंटरनेशनल रिलेशन में। तो अफगानिस्तान में सेक्युलरिज्म क्या चल रहा है, ये जो ISIS ग्रुप था जो अभी बोले इस्लामिक स्टेट ग्रुप IS और ये तालिबान, वो सुन्नी मुस्लिम और सामने शिया मुस्लिम के साथ उनकी मतलब टकराव चलता है। अभी कोई लेटेस्ट सुसाइड बॉम्बर अटैक हुआ जहां पर शिया मस्जिद में 40 से ज़्यादा लोग मर गए। तो इसमें हमने समझना क्या है,
समझना ये, जब भी आप बात करते हैं धर्म निरपेक्षता और कट्टरवाद की, तो हिंदू मुस्लिम नहीं भाई, मुस्लिम ईसाई भी हो सकता है, जैसे वो कुछ जगह पर है, फिर मुस्लिम और यहूदी भी हो सकता है, जैसे ये इसराइल पैलेस्टाइन देखो तो वो भी है, लेकिन उसके अलावा एक ही धर्म के अंदर विभिन्न संप्रदाय, शिया सुन्नी वगैरह, उसमें भी ऐसा गतिरोध हो सकता है। विमेन राइट्स की बात करें, अमेरिका के एक टेक्सास राज्य है जहाँ पर, वैसे भी वहाँ पर एबॉर्शन के खिलाफ एक पॉलिटिकल सेंटीमेंट, रिलीजियस सेंटीमेंट की वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है एबॉर्शन वगैरह, ऐसा चलता है। तो अब उन्होंने कुछ और सख्त कानून बनाया था कि 6 हफ्ते के बाद एबॉर्शन नहीं हो पाएगा वगैरह, तो यूनियन गवर्नमेंट अमेरिका की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप इस कानून को रोकिए। विमेन राइट्स की बात करी तो एटीट्यूड टूवर्ड्स विमेन इन आर्मी, ये मुद्दा किसके लिए, जो पेपर 4 है, एथिक्स इंटेग्रिटी एटीट्यूड, महिलाओं के प्रति रवैया सेना में क्या है, तो एशिया के देशों में हम पाते हैं कि रवैया अच्छा नहीं है। इंडोनेशिया में सेना में भर्ती होने से पहले महिला ने वर्जिनिटी टेस्ट, कौमार्य परीक्षण देना होता था, हालांकि बहुत विरोध हुआ, फिर अभी जाके मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले बोला कि अब से नहीं करेंगे। साउथ कोरिया में एक एयरफोर्स की सोल्जर थी, उसके सीनियर और कलीग्स उसको यौन उत्पीड़न कर रहे थे, रेप कर रहे थे, उसने सुसाइड किया, फिर अभी वहाँ पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। भारत के अंदर क्या समस्या है, काफ़ी समय तक एक तो वीमेन को परमानेंट कमीशन नहीं दिया गया ये सब में, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, फिर फाइटर पायलट के काम उनको काफ़ी समय तक नहीं दी गई, ये जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो एंट्रेंस या रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होती है वहाँ पर भी फीमेल को काफ़ी समय तक एग्ज़ाम नहीं दे पाए, अभी बोल रहे अगले साल से करेंगे। सो दीज आर ऑल शोइंग डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर बायस इन द डिफेंस सर्विसेज। आगे पेज 12 यानी कि इकोनॉमी में क्या है, कुछ भी काम का नहीं, जितना भी माल आया है उधर, किसी तरह और येलन की मीटिंग हुई या कैप्टिव माइन में कोल सप्लाई या मोटर इंश्योरेंस या अकोमोडेटिव पॉलिसी या पेट्रोल डीजल हाइक या एवरग्रांड, भाई कुछ भी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री इसमें से काम की नहीं है। पिछले आप अलग अलग वर्षों के पेपर देखो इकोनॉमी के, एंड यू विल रियलाइज ये कैसे प्रश्न पूछते हैं, ये सब मैंने आपको बताया, कल ही तो आपने पेपर अपलोड किया था, कुछ कौन सी PhD पूछ ली, सब आसान आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें पूछते हैं। ऑफकोर्स 1-2 अतरंगी चीज़ पूछ ले, ये डीलिंग ऑर्डर मैचिंग एंड CDSL का मालिक कौन, पर वो तो जानबूझ के इसलिए किया जाता है ताकि कट ऑफ में वो थोड़ा डिफिकल्ट रहे पेपर, उसको देख के ऐसा ही सब छोटा छोटा GK करने बैठे कुछ फ़ायदा नहीं। उसी तरह ये SEBI ने एक नई समिति बनाई है, विजय डागा समिति, जो कि सेटलमेंट ऑर्डर और कंपाउंडिंग ऑफिस का देखेगी, अब वो मुद्दा क्या है हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। अगर आप SEBI ऑफिसर की एग्ज़ाम तैयारी करें तो बराबर है, अदरवाइज SEBI की तो बहुत सारी समितियाँ, हर एक हम पढ़ने बैठे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदेमंद नहीं। फिर पेज 13 स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, एटीट्यूड टूवर्ड वीमेन इन स्पोर्ट्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस। केन्या के अंदर कुछ कबीर सिंह टाइप लोग हैं, वो ये करते हैं कि कोई फीमेल एथलीट पे वो नज़र रखते हैं कि जो भविष्य में उनको लगे ये बहुत ज़्यादा सुपरस्टार बन जाएगी, और फिर उसे कोच, फैन या सपोर्टर या बॉयफ्रेंड के रूप में उसको बेला फुसला कर उसके साथ हो जाते हैं। फिर जैसे ही वो महिला की तरक्की होती है तो ये उसकी सारी प्रॉपर्टी, फाइनेंस, मनी हड़प लेते हैं। ऐसा ये एक फीमेल एथलीट थी, उसके भी ये जो बॉयफ्रेंड और बाद में पति, उसने ये सब किया, फिर आपस में कुछ झगड़ा हुआ तो इसने हत्या कर दी। ये जो 1-2 दिन पहले हमने देखा था वो फीमेल एथलीट टीरोप और उसका हस्बैंड रोटीज, उसने ये सब किया, ऐसा सब आरोप, और उसको अरेस्ट किया वगैरह वगैरह, तब उसमें वो हमारे लिए क्या उसमें पॉइंट रिफ्लेक्ट करना है, पॉइंट ये रिफ्लेक्ट करना है कि अगर हम ये सोचे कि फाइनेंशियल फ्रीडम या प्रोफेशनल सक्सेस मिल गई तो महिला के साथ घरेलू हिंसा नहीं होगी, क्या आपको ऐसा लगता है महिला को नौकरी रोजगार सफलता मिल गई तो गारंटी है कि घरेलू हिंसा नहीं होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, पहली तो जरूरी यह है कि महिला ने घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, और ऐसा एक नहीं सब ने, तब जाके वो माहौल बने, और ऐसे जो भी बदमाश हैं उनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिले ताकि बाकी जो कबीर सिंह हैं उनके हौसले बुलंद नहीं हो। प्रॉम्प्ट एंड एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नीड्स टू बी गिवन सो एज टू डिस्करेज द फ्यूचर डोमेस्टिक वायलेंस। अपने अभी ये जो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें सरकार का एक टारगेट है कि हम डोमेस्टिक वायलेंस के केस को ज़ीरो कर देंगे। तो ज़ीरो करने के लिए मतलब सोचो कितनी मेहनत लगानी पड़े। अब ये भी अपने आप में एक सिंगल मुद्दा ही है एंड यू हैव टू कलेक्ट सो मैनी थिंग्स तब जाके डोमेस्टिक वायलेंस एंड वो सब के जो भी मेन्स पेपर टू या पेपर वन में वीमेन इश्यू या पेपर फोर में ये सब एथिक्स केस स्टडी में आपको माल मिल सके। सो थिंक अबाउट ऑल दिस। ये था आज 16 तारीख का न्यूज़पेपर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।